माननीय विधायक, पार्षद, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, बूथ तक के कार्यकर्ता सब यहाँ पर उपस्थित थे। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे पदाधिकारी उपस्थित थे और हम लोग अपने चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। पूर्ण राज्य का मुद्दा हमारा प्रमुख मुद्दा, चुनावी मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया। जो आज एक अखबार में बयान छपा है दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी का, कि अब वो मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का मुद्दा शामिल नहीं करेंगे, यानी भाजपा का असली चेहरा अब सामने आ गया। साहेब सिंह वर्मा जी से लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन जी और जितने भी बीजेपी के नेता, मदन लाल खुराना जी, सब लगातार पूर्ण राज्य की बात पहले करते रहे हैं, लेकिन अब उनका चेहरा सामने आ गया। जब हमने उनको घेरा, उनसे पूछा, उनसे जानना चाहा कि 5 वर्षों में आपने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, तो अब वो कह रहे हैं हम घोषणा पत्र में नहीं शामिल करेंगे। तो इस बार का चुनाव दिल्ली की जनता को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर अपना मत देकर भाजपा को जवाब देना है। क्या अभी भी कोई गुंजाइश नहीं? तीसरा सवाल ये कि कल अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कोई खास मुद्दा लेकर आएंगे? वो इन्हीं मुद्दों को सामने रखें। राहुल गांधी ने आज मसूद अजहर को मसूद अजहर जी 2-3 बार बोला है। मसूद अजहर को तो भाजपा कांधार में छोड़ के आई थी, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है।